नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से ब्रह्मा कुमारीज युवा प्रभाग के 100 सदस्यीय दल ने विशेष मुलाकात की। बैठक में प्रमुख रूप से ओम शांति रिट्रीट सेंटर के निर्देशिका बिक्याशा दीदी, राजोगर एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन युवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी, युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कृति दीदी सम्मिलित हुए। बैठक के दौरान संस्था के युवा प्रभाग द्वारा की जा रही सेवाओं की विविध जानकारी माननीय राष्ट्रपति जी के साथ साझा की गई। राष्ट्रपति जी ने युवाओं को सशक्त बनाने, विशेष रूप से आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने में युवा प्रभाग की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए प्रभाग के प्रयासों की सराहना की। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का अपना एक विंग है, जो विंग भारत के गवर्नमेंट के जितने भी स्कीमें हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपना रहे हैं। शुरुआती दौर में तो आध्यात्मिक रूप से ही शुरू हुआ था, लेकिन केवल आध्यात्मिक देखने से नहीं होगा। देश को आगे लेने के लिए हम लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त होना होगा, सामाजिक रूप से सशक्त होना होगा। हम लोगों के पास जो संस्कृति धरोहर है उसको भी आगे लेना होगा, इसको भी साथ में ले करके हम अपने आध्यात्मिक राह को, आध्यात्मिकता को भी सशक्त कर सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं, आपसे ही मैंने सीखी, हम सब आत्माएं हैं। ये आत्मा शरीर धारण करते हैं, आत्मा को आत्मिक शक्ति चाहिए, लेकिन शरीर को अन्य वस्त्र वासगृह चाहिए। आप अन्य वस्त्र वासगृह के लिए तो कुछ रोजगार करना जरूरी होता है। बैठक में युवाओं के बीच सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य आधारित शिक्षा पर भी चर्चा हुई। चर्चा में समाज के महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने, सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने एवं व्यक्तियों के बीच आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए समर्पण भाव की सेवा पर जोर दिया। ऐसे ही युवा मामले और खेल मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर से उनके आवास में भी मुलाकात हुई। इस दौरान बीके चंद्रिका दीदी ने मंत्री जी को यूथ विंग की 40 साल की सेवा यात्रा को साझा किया और युवा पीढ़ी में सकारात्मक बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसके भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। वहीं अनुराग ठाकुर जी ने युवाओं के उत्थान और उन्हें बनाए रखने के लिए चल रहे कार्यक्रम में उन्होंने मंत्रालय के सहयोग से युवाओं के साथ काम करने के भविष्य के अवसरों पर चर्चा की। व्हाट इज आवर टारगेट फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स, व्हाट इज आवर टारगेट फॉर 2047, अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो उसमें हमारे युवा कार्यक्रम विभाग का क्या योगदान है। तो मैं चाहूंगा कि जब भी आपके पास मैं उसमें बैठता नहीं बैठता, मैं अपनी सेक्रेटरी को बोलूंगा ज्वाइंट मीटिंग कर। तो मैं समझती हूँ परमात्मा हम सभी को बहुत अच्छा काम कराएंगे और ये बहन दो मिनट में आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम उस भगवान का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना अच्छा मौका दिया और हम सभी मिलकर के एक अच्छा सा प्लान किया है भारत को भी और सरकार के द्वारा सारे दोस्तों को भी पॉजिटिव बनाएंगे।